ट्रेडर आपको ट्रेडिंग एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि तात रीडिंग कैसे करें, तात को रीड कैसे करें, तात को तमदे कहते, और गाइस तात को तब हम तब रीड करना सीखेंगे, तभी गाइस हम तब मार्केट में टिक पाएंगे और गाइस मार्केट में ट्रेड बना पाएंगे और तब प्रॉफिट कर पाएंगे। और गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, मार्केट में आप तात रीड करना सीख रहे हो तो आपको कैंडल का साइकोलॉजी भी पता रहना चाहिए। तो ये वीडियो में मैं आपको तात रीडिंग सिखाऊंगा और गाइड कहते तात रीड किया जाता है, कैंडल में क्या देखा जाता है और कैंडल की साइकोलॉजी समझाऊंगा। चलो गाइड हम तो अपना वीडियो चालू करते हैं। तो गाइड जैसे कि आप इधर पे देख सकते हो, पहली बात गाइड आपको तात रीडिंग करते समय आपको दो तीन आना बहुत जरूरी है, तपोत और रजिस्टन। तपोत और रजिस्टन कहते मार्केट में काम करता है, आपको ये तीन आना बहुत जरूरी है। तपोत क्या होता है, रजिस्टन क्या होता है, तपोत टूटता है तो रजिस्टन कहते बन जाता है, रजिस्टन टूटता है तो तपोत कहते बन जाता है। गाइस आपको तपोत और रजिस्टन का एकदम बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, तभी गाइस आप तात रीडिंग समझ सकते हो, क्योंकि तात रीडिंग के अंदर सबसे ज्यादा रजिस्टन और तपोत का ही खेला होता है। रजिस्टन कहाँ बना, कहाँ पे रजिस्टन बना, कहाँ पे तपोत बना, तो गाइस आपको रजिस्टन और तपोत के बारे में नहीं मालूम तो गाइस आप मेरे वीडियो मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो डाल के रखा हूँ, आप जाके यहाँ से देख के आप सीख सकते हो। चलो गाइस मैं आपको पहले तपोत और रजिस्टन समझा देता हूँ। इधर पे आप देखोगे गाइस, इधर पे देखोगे एक यहाँ पे देखोगे गाइस एक रजिस्टन है, यहाँ पे देखोगे गाइस एक तपोत है। मैं आपको देखो तपोत और रजिस्टन समझा देता हूँ। मार्केट तब गाइस ऊपर आई, ठीक ऊपर आने के बाद मार्केट ने अपना तपोत तोड़ दिया। ये गाइस पहले मार्केट में एक रजिस्टन का काम कर रहा था, तो मार्केट ने अपना रजिस्टन तोड़ा तो ये कौन सा काम करने लगा, एक तपोत का काम करने लगा। तो गाइस आप इधर पे देखोगे मार्केट अपने तपोत और रजिस्टन के बीच में ही घूम रहा है, कहते मैंने रजिस्टन डिफाइन किया। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, आप इधर देखो गाइस रजिस्टन किसे कहते हैं, यहाँ पे मार्केट बहुत बार तट करने के बाद नीचे गिरता है, इसे ही गाइस हम तब रजिस्टन कहते हैं। तो गाइस आप इधर पे देखो, इधर पे आप देखो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इधर पे कितने बार आई है, तट की है। इधर पे देखो तो गाइस ये हमारा बहुत अच्छा मजबूत रजिस्टन है, तो इसका मतलब इधर पे देखो मार्केट ये रजिस्टन को तट करने के बाद कितना अच्छा रैली देखने को दिया है। तो गाइस ये हमारे लिए एक रजिस्टन का काम कर सकता है। तो गाइस आपको कहते मालूम चला रजिस्टन कहते ढूंढा जाता है। और गाइस आप इधर पे देखो, यही रजिस्टन पे मार्केट आने के बाद क्या नीचे गिरता है, आप इधर पे देखो, आपने गाइस पहले से ही तपोत मार्क करके रख लिया था, तो आपको इतना मालूम होगा कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद अपने को यहाँ से अपना मतलब एग्जिट कर लेना है, यहाँ से अपने को मार्केट से निकल जाना है। आपको रजिस्टन मालूम चला गाइस यहाँ पे एक रजिस्टन है, मार्केट इसको तट करने के बाद मार्केट नीचे गिरेगा, तो आपको मालूम है इधर पे नीचे गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, अपने तपोत तक गिरेगा। तो गाइस आप यहाँ से मार्केट से निकल जाओगे अपना प्रॉफिट लेके, तो गाइस आपका लॉस नहीं होगा। तो गाइस ऐसे ही गए गाइस हम तब तात रीडिंग करते है तपोत और रजिस्टन देख के। और गाइस आप इधर पे देखो, इधर पे भी देखो गाइस एक तपोत और रजिस्टन आपको दिख रहा होगा। इधर पे देखो गाइस मार्केट साइडवेज हो गई है, इधर पे देखो तपोत और रजिस्टन इधर पे भी मार गए। देखो गाइस इधर पे देखो इधर पे भी मार्केट साइडवेज है, इधर पे भी गाइस तपोत और रजिस्टन मार्ग हुआ है, समझे गाइस। इधर पे देखो इसको भी गाइस हम तो तपोत और रजिस्टन का ही गेम बोलेंगे, क्योंकि गाइस मार्केट साइडवेज हो गया है। और गाइस मैं आपको और उदाहरण दिखा देता हूँ। और गाइस आप इधर पे भी देखो, मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, मार्केट अपना रिटर्न मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने पिंटे अपना तपोत तुआ, तपोत तूने के बाद गए, तपोत ने गए रजिस्टन तूने के बाद मार्केट रिटर्न नीचे गिरा, अपना क्या तू लिया गए, तपोत तू लिया। मैंने आपको क्या कहा था, तपोत पे बाय करने का, आपने तपोत पे बाय किया, रजिस्टन पे रखे आपने सेल कर दिया। तो गाय आपको तात रीडिंग करने आने से पहले आपको तात रीडिंग करना सीखना है, तो आपको पहले तपोत और रजिस्टन सीखना पड़ेगा, एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक, क्योंकि गाइस इतने बड़े बड़े ट्रेडर है ये तपोत और रजिस्टन पे ही ट्रेड करते हैं और ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं। ठीक गाइस आप पहले रजिस्टन तपोत और रजिस्टन सीखो, इसके बाद गाइस आप तात रीडिंग करना अपने मन से सीख जाओगे। और गाइस मैं आपको कैंडल का साइकोलॉजी बता देता हूँ। देखो गाइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक कैंडल के अंदर हमेशा दो लोग रहते हैं,
एक रहता है बायर, एक रहता है टेलर, दोनों के बीच में झगड़ा रहता है, झगड़ा होता है। ये दोनों के बीच में झगड़ा होते, कभी भी दो लोग के बीच में मारा पीटी होगा तो एक ही बंदा जीतेगा, ठीक, एक ही बंदा जीतेगा। तो ये बंदा जीतता है, यही कैंडल पे काबू करता है, यही कैंडल को ऑपरेट करता है, वही कैंडल को तलाता है। तो गाइस हमेशा एक कैंडल के अंदर गाइस हमेशा दो लोग रहते हैं, एक रहता है बायर, एक रहता है टेलर, दोनों के बीच में मारा पीटी होता है। वो बायर या टेलर दोनों में का एक ही जीतेगा, वो जीतेगा, वो कैंडल पे काबू करेगा। मान लो बायर जीतेगा तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, टेलर जीतेगा तो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। तो गाइस यही है कैंडल का साइकोलॉजी। मैं गाइस आपको एक बेसिक साइकोलॉजी बताया हूँ कैंडल का, आपको गाइस लॉन्ग वीडियो देखना होगा। तो गाइस आप मेरे को कमेंट में कमेंट करोगे, मैं आपको कैंडल का साइकोलॉजी का एक लॉन्ग वीडियो बना के दे दूंगा। और गाइस आपको टास्क रीडिंग करना और भी अच्छे से सीखना है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं। तो गाइस आपको ऑर्डर ब्लॉक सीखना है तो गाइस आप मेरे वीडियो में, वीडियो दिया गया है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। और गाइस आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ देखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो लोग गाइस धन्यवाद।